दिवाली तो पहला तिरंगे च लिपटी आई पुत दी लाश, पुब्बा मार मार रो रही मां, पूरा पिंड गुंजिया मनजीत सिंह जिंदाबाद दे नारियां नाल। एक गमगीन माहौल दियां तस्वीरां सामने आ रही ने हुशियारपुर दे दसूआ तो, जिथे उस समय मातम छा गया जदों पिंड कोटली दा 25 सालां नौजवान मनजीत सिंह वीरगति नूं प्राप्त हो गया, जिस तों बाद शहीद मनजीत सिंह दी देह नूं अंतिम संस्कार लई पिंड लियांदा गया। दस दईए कि 5 साल तों मनजीत सिंह फौज च अपनी सेवा निभा रहा सी ते बीते दिनी बंब धमाके च शहीद हो गया। मां भुब्बा मार मार रो रही है, दिवाली ते पुत ने घर आना सी, पर दिवाली तो पहला पुत दी तिरंगे च लिपट के दे घर आई। पूरे परिवार दा रो रो के बुरा हाल है। तस्वीरां दिखाउने आ जिथे कि पूरे सन्मानां दे नाल मनजीत सिंह दा अंतिम संस्कार कीता गया। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਛੁੱਟੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। 10-11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਆ, 15-20 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਤੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। मनजीत की कुर्बानी ते सारे पिंड नू माण है। उन्हां मांग कीती कि पिंड च सरकारी स्कूल दा नां शहीद मनजीत सिंह दे नाम ते रख्या जावे। अज असी शहीद सिपाही मनजीत सिंह पिंड खेड़ा कोटली जो कि 17 सिखलाई यूनिट दे विच तैनात सी, जम्मू कश्मीर दा एरिया रजौरी वाला जो एरिया है उस विच नौकरी कर रहा सी। 30 तरीक नूं उन्हां दी ते एक अफसर दी शहादत हो गई एक ब्लास्ट दे विच। अज असीं उन्हां दे पिंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिस दे विच MLA साहब, DC मैडम, SSP साहब अते होर बहुत सारे लीडर आए हुए हन। उन्हां दा जो संस्कार है वह पूरा मिलटरी ऑनर और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वालों पूरे ऑनर नाल कीता जा रहा है। CM साहब ने ऑलरेडी जो भी फाइनैंशियल असिस्टेंस मिलनी है वो 50 लाख की अनाउंस कर चुके हैं। आर्मी वालों सेंट्रल गवर्नमेंट वालों उन्होंने 40 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है वो पैसा आना है। उस तो अलावा 40 लाख रुपया जो एक्स ग्रेशिया वो आना है, 5 लाख रुपया JK गवर्नमेंट वालों ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਰਗਾ ਦਵਾਰਾ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਭ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਇਹ 4 ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਮਿੰਟੂ ਅਵਤਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਬੋਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ,
घट्टो घट सरकार एहसास तो होना चाहिए। अज ठीक है सारा प्रशासन इतने आया मुड़ के किसी ने परिवार की सार नहीं लैनी, यह सिर्फ शहीद परिवार गिरया जाना सारी जिंदगी, तो बड़ी माड़ी गल आ। जो साडे बच्चे शहीद हो रहे तो घट्टो घट देश में तो वह कोई फायदा हो, रोज़ कोई ना कोई साडा बच्चा शहीद हो रहा, तो यह कोई ना कि सरकार ना कि देश में कोई फायदा नहीं हो रहा। बहुत ही वधिया परिवार शहीद परिवार से आर्थिक किरत करने वाला परिवार से, चार भैन सगिया जवान दिया दो ब्रदर थे, सब तो छोटा ही सी मनजीत सिंह साहब भी साढ़े हत्थां च पल के जवान होया, फौज भर्ती हो गया। ये दो महीने पहले आया सी, पिंड बड़ा खुश सीगा, मैनू गर्म रोटी तो बाद हूँ पूरी पिंड तनखा आपे मिलन, मैं हूँ देश की सेवा कर रहा। परिवार जरा बहुत ही इस वे सारा पिंड जरा बहुत महसूस कर रहा, तो नाल दी नाल परिवार नाल हमदर्दी भी कर रहा, पर सानू माण भी है कि साडे पिंड दा नौजवान जिहड़ा जिन्हें देश लई कुरबानी दित्ती है शहीदी दित्ती है, सारा पिंड इस गल ते माण भी महसूस करता फखर भी महसूस करता, पर परिवार लई बड़ा औखा समा है, पिंड लई बड़ा औखा समा है। असीं सरकार नूं मंग भी करते हैं भी शहीद दे नां दे उत्ते जिहड़ा स्कूल दा नां है साडे पिंड दा स्कूल है इनू शहीद के नाँ पर रखा जाए, एलीमेंटरी स्कूल है साढ़े पिंड, तो साढ़े पिंड शहीद के नाँ के उत्ते एक वधिया गेट बनाया जाए। सरकार तो मंग है क्योंकि आने वाली पीढ़ियां सदा ही याद कर दिया रहन। ब्यूरो रिपोर्ट सांझ टीवी। गुरु महाकाल जी तो कृपाओ हर समस्या का समाधान, वशीकरण जादू टूना किता किराया पति पत्नी जन बन व्याह शादी च परेशानी, लव मैरिज लई माता पिता नु मनाउणा, नौकरी कारोबारी च परेशानी, सौंकण दुश्मन तो छुटकारा, मुठकरनी दे उस्ताद, कोर्ट कचहरी दे चक्कर, विदेश यात्रा विच रुकावट अते प्यार विच धोखा खाण वाले प्रेमी प्रेमिका जरूर संपर्क करो गुरु महाकाल जी समराला चौंक लुधियाणा। जटिल तो जटिल समस्यावां दा समाधान गरंटी नाल 9878633304।